चंडीगढ़ सचिवालय में आज हरियाणा और पंजाब की बैठक होगी। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। सेक्टर 9 स्थित चंडीगढ़ यूटी सचिवालय में बैठक होगी। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित बैठक में शामिल होंगे। चंडीगढ़ के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की संस्था राइट्स की तरफ से प्रस्तुति दी जाएगी। चंडीगढ़ समेत तमाम मुद्दों को लेकर दोनों राज्यों के बीच चर्चा होगी। आइए चलेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, क्या खबर है इस बैठक को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से ये मीटिंग जो है वो 10 बजे के करीब होनी थी और अभी ये मीटिंग जो है रीशेड्यूल होकर अब 11 बजे ये मीटिंग होगी। चंडीगढ़ के प्रशासक जो है वो इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और इस मीटिंग के अंदर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने शामिल होना था, लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मीटिंग में शामिल हो गए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से जो कारण बताए गए हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में बने सरकार को एक साल जो है वो पूरा हो चुका है, जिसके मद्देनज़र उन्होंने घर के संगरूर स्थित अपने निवास स्थान पर जो है वो पाठ का आयोजन किया है, जिस वजह से वो इस मीटिंग का जो है वो हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो बहरहाल उनकी तरफ से देखना होगा कि उनकी तरफ से कौन से मिनिस्टर जो है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन जायज़ तौर पर जिस तरीके से यदि हम बात करें चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की, तो उनकी तरफ से ये मीटिंग जो है वो इसलिए बुलाई गई है ताकि चंडीगढ़ के अंदर जिस तरीके से आबादी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उस वजह से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो चरमराती जा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो किस तरीके से ट्रैफिक को जो है वो सुचारू रूप से किया जा सके, उसको लेकर जो है ये अहम मीटिंग आज बुलाई गई है। इस मीटिंग के अंदर जो है वो राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस द्वारा जो है वो एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी और प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई है उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस मीटिंग में इसलिए भी शामिल किया गया है, जिस तरीके से यदि हम हरियाणा का जिक्र करें तो पंचकुला यानी कि चंडीगढ़ का साथ लगता है जो पंचकुला है, वहाँ पर जो चंडीगढ़ वासियों की जो मूवमेंट है वो काफ़ी अधिक रहती है। तो वहीं अगर पंजाब की बात करें तो मोहाली से चंडीगढ़ के अंदर आने आवागमन की जो मूवमेंट है वो काफ़ी अधिक रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या पैरामीटर्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए, किस तरीके से कितने फ्लाईओवर्स जो हैं वो बनाने चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो डिस्कशन होगी। साथ ही साथ क्या चंडीगढ़ के अंदर जो है वो मेट्रो रेल जो है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यदि उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो किस तरीके से कनेक्टिविटी रहेगी और कनेक्टिविटी जो है वो तीनों ट्राई-सिटी के अंदर जो है वो करनी होगी। खासतौर पर पंचकुला की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, मोहाली की बात करें, तो ट्राई-सिटी के अंदर कनेक्टिविटी को रखने के लिए जो है वो हरियाणा और पंजाब के मुखियाओं को जो है वो बुलाया गया था ताकि वो इस मीटिंग में हिस्सा लें और किस तरीके से जो है जो ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराई हुई है उसको किस तरीके से सुचारू जो है वो किया जा सके। तो जिसके मद्देनज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या मेट्रो रेल को लेकर जो है वो किसी तरीके की सहमति जो है वो बन पाती है या नहीं बन पाती है। साथ ही साथ इसके ऊपर जो है वो राइट्स द्वारा एक और जो है वो इजाफा किया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि यूनिफाइड अथॉरिटी का जो है वो गठन किया जाएगा ताकि वो तीनों, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तीनों अथॉरिटीज़ जो है वो एक सिंगल डिसीजन लें और जो भी डिसीजन होगा उसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और उसको जो है वो पारित करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आज की ये मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ के पहलू से और पंचकुला और मोहाली के पहलू से काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये रहने वाली है। जी बिल्कुल रवि, इस तरह की मीटिंग इससे पहले भी बुलाई गई है या इस बार खास तौर से ये खास मीटिंग बुलाई गई है? देखिए, इससे पहले भी जो है वो समय समय पर जो है वो मीटिंग्स बुलाई गई थी या फिर यूं कहें कि प्रस्ताव जो है वो चंडीगढ़ के सांसद द्वारा भेजे गए थे, लेकिन वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हुए थे, उन प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो नहीं मिली थी। यदि हम जिक्र करें कांग्रेस के सांसद का जिक्र करें तो उनकी तरफ से जो है वो प्रस्ताव ज़रूर पास किए गए थे कि चंडीगढ़ के अंदर जो है वो मेट्रो रेल जो है वो बनाई जाए, लेकिन वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हुए। लेकिन आज एक बार फिर से जो है वो चंडीगढ़ प्रशासक द्वारा जो है वो इस मुद्दे को जो है उजागर किया गया है और खासतौर पर जिस तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था चंडीगढ़ के अंदर चरमराई हुई है
उसको किस तरीके से ठीक किया जा सके उस पर जो है ये काफ़ी अहम मीटिंग है और इसका खासा असर जो है वो चंडीगढ़ पर पड़ता हुआ नज़र आता है। अगर हम मोहाली की बात करें, पंचकुला की बात करें, क्योंकि पंचकुला और मोहाली से भारी संख्या में लोगों का आवागमन जो है वो रहता है और ऐसी स्थिति के अंदर किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जा सके उस पर उसको लेकर आज ये अहम मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के अंदर जो है वो न सिर्फ मुख्यमंत्री जो हरियाणा और पंजाब के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल होंगे बल्कि चीफ सेक्रेटरीज, दोनों स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो ACS अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग का जो है वो हिस्सा रहेंगे। ठीक है रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ।